ले गया, फिलिस्तीन को सीरिया ले गया, इराक ले गया, कुवैत ले गया, ईरान के पीछे पड़े हैं, सब तबाह होते जाएंगे तो हमारा कौन चीज बचेगा। खूब सुंदर लड़की रहेगी, सीआईए का यही जिम्मेदारी है। भारत को तबाह कर दिया रहता अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने इराक कई बार कुवैत से क्या लिया था, कर्जा लिया था। अब कर्जा वो चुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दोनों के बीच में ना झड़प चालू हो गई। और इराक क्योंकि बड़ा देश था, शक्तिशाली था, और कुवैत छोटा था। कुवैत जो था अपना पैसा मांगने लगा, इराक इसको धमकी दिया। सद्दाम हुसैन यहाँ के कौन थे, सेनापति था, बाद में राष्ट्रपति बन गया, सेनापति हटा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार के खुद ही राजा। कुवैत जो था ये सेम वैसे ही कर रहा था जैसे यूक्रेन कर रहा है, क्योंकि कुवैत के पीछे चावस कौन कर रहा था, अमरीका। जैसे ताइवान के पीछे कैसे किया है, उसी तरह कुवैत के पीछे कर रहा था कौन, अमेरिका। तो कुवैत किसके दम पे कूदने लगा, अमरीका। सद्दाम हुसैन उठा ना तो हमला कर दिया किसके ऊपर, कुवैत के। और 2 दिन में पूरा कुवैत कब्जा कर लिया है, ये कितना छोटा है, 2 दिन में क्या कब्जा कर लिया, कुवैत खत्म हो गया। कुवैत चिल्लाने लगा अमेरिका से, बचाओ हमको बचाओ। अमेरिका कहा कि अभी तुम हमको क्या समझ, इतिहास पढ़ो, जाओ खान सर के पास फाउंडेशन, तब समझ में आया। अंग्रेजों की एक पॉलिसी है, दो देश को लड़वाएंगे, एक को पहले कंप्लीट बर्बाद करेंगे तब उन्हें बचाने आएंगे। क्योंकि बर्बाद करेंगे तो दवाई अपने बेचेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हथियार भी अपने बेचेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। महात्मा गांधी ब्रिटेन के संसद को वैश्या कहते कि किसी के नहीं है सभी तो महात्मा गांधी ऐसे ही थोड़े कह देंगे भाई, बैरिस्टर इंसान वहीं से पढ़ के आया, वहां ये अंग्रेज किसी के नहीं होते। तो ये क्या किया ना, कुवैत को छोड़ दिया, और 15 दिन बाद आया कुवैत को बचाने के लिए। सोचिए इंटरनेशनल लड़ाई में जहां टॉप टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं, वहां 15 दिन बाद आप आइएगा, कुवैत बचेगा, कुवैत तबाह हो गया। यही चाहता था अमेरिका, जब कंप्लीट तबाह हो गया ना कुवैत, तब अमेरिका कह रहा है कि हम मदद करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, तुम्हारा पेट्रोल जो है वो हम ही निकालेंगे। अभी बताइए अगर किसी के घर में जमीन में पेट्रोल है, निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, कह देंगे आधा तुमको देंगे आधा हम रखेंगे, तो हम आधा निकाले कितना है तुमको पता कहाँ है, 500 लीटर निकालेंगे कहेंगे 50 लीटर निकला है, 25 लीटर तुम रखो 25 लीटर हम रखते हैं, अरे सोच रहा तू ना खड़े घोट गया। तो इन सब को लग रहा था कि अमेरिका पेट्रोल ही चाहिए ना आधा आधा, अरे लोल कहीं का, इन सब को हरा बांस से मारना चाहिए, वही कच्चा हरा रंग वाला एकदम पानी भरल है उसमें पूरा लब लब एकदम मारे फच से, तो पड़िए ससुर अपन देश नहीं चला पाता है, बताइए। देखिए ध्यान से, तो ईरान ये क्या नाम था इसका, कुवैत का, ठीक है हम आधा देंगे। देखिए अमेरिका की चाल आधा पेट्रोल पे तो है ही नहीं, उसका कहना है हम निकालेंगे कितना ही तुमको पता ही नहीं, और अमेरिका से औकात की कि उनसे जांच कर लेंगे, कुवैत का औकात, 2 दिन में इराक चढ़ गया तो कुवैत मार के रद्द कर देगा। आप समझ आ गए, अमेरिका वालों की एक चाल होती है, पहले युद्ध कर लेगा, उसके बाद इन लोग के यहाँ राजा होते हैं सब, राजा के लड़का जाते हैं जन्मे करते हैं, राजा का लड़का होंगे। अमेरिका की CIA जो है ना, खुफिया एजेंसी, वहां पे ना इन लोग की एक बहुत बेहतरीन चाल होती है, जितना खूब सुंदर लड़की रहेगी सब ना, उसको CIA का यही जिम्मेदारी है कि एकदम बढ़िया, किसी देश के राष्ट्रपति का बेटा है, राज्यपाल का बेटा, बढ़िया बढ़िया हाई प्रोफेशनल लड़का, फंस जाओ उसी जाके, तनी मनी मुस्कुराएगी, चल जाएंगे आप, खत्म कहानी हो जाएगी। ये चाल है, कुवैत के राजा में घुस गए यहाँ पर, और बिया करा दिया, उसके बाद धीरे धीरे इंटरनल यहाँ पर। तो कुवैत का आधा तेल कौन ले गया, अमेरिका ले गया, समझ आ गया कि नहीं गया, कौन ले गया, अमेरिका। अब आया कुवैत को बचाने के लिए, अमेरिका ने मारना चालू किया, नाटो सेना को लाया, नाटो सेना में उस समय 28 देश थे, अभी तो 30 हो गए, 2800 मिल के मारा सब किसको, किसे, इराक। इराक कंप्लीटली तबाह हो, कंप्लीटली तबाह हो गया, समझ आ गया। 1 लाख से ज्यादा वैसे लड़के मरे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम, इराक कंप्लीट तबाह, घर में घुस घुस मारा गया था। और वहां जब भी कोई देश होता था, लगभग ह्यूमन राइट के हिसाब से 35 से 40 हजार से ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया, तबाह कर दिया अमेरिका ने किसको, इराक, पूरी तरह कंप्लीट तबाह कर। उसके बाद जितने लोगों को मारा था ना अमेरिका, अमेरिका गया ना, वो जानता है अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है, याद रखिएगा, किसी को इतना टॉर्चर करो कि वो अपराधी बनने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि जब टॉर्चर करेंगे तो मरबे करेंगे, और जब अपराधी बनेगा ना तो सरेआम मारेंगे कि देखो आतंकवादी है, ऐसा ना मारा वहां पे, और उसके अराजकता फैला दिया। जब अराजकता फैल गई, शासन खत्म, सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दिया, तबाह कर दिया, उसको पता था कि अब यही कंडीशन है बेहतरीन, अब यहाँ ऑटोमेटिक अराजकता फैलेगी। अब बताइए, आपका स्कूल उजाड़ दिया गया, हॉस्पिटल उजाड़ दिया जाएगा, आपका शासन पर DM SP सबको मार दिया जाएगा, विदेशी आएगा पूरा लूट उठ के चल जाएगा, जब वापस जाएगा आप क्या समझ सकते हैं, उस समाज से स्वामी विवेकानंद निकलेंगे। इराक से निकला ISIS, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, पहले तो टॉर्चर करेंगे, उसके बाद ऐसा मारेंगे कि तुम कभी पढ़ी लिखी नहीं सकते हो, और तुमको मजबूर करेंगे हम यहाँ पे, अब तुमको खुलेआम मारेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इससे लॉस भारत को हुआ, भारत का इराक में और कुवैत में बहुत बेहतरीन रोजगार था,
हमारा रोजगार चला गया, दुनिया से हमको मतलब नहीं, हमको हमारे देश से मतलब, हमें सस्ता पेट्रोल मिलता, हम वहां पे अपना सामान बेच सकते थे, अभी वो अमेरिका बेचता है, वहां हम लोग का सामान हमने अपने मनपसंद सरकार बना लिया, वहां पर वहां का पेट्रोल हम लोग को महंगा मिल गया। अब उसके बाद जब आईएसआईएस आतंकवादी आए सब ना, तो अमेरिका दूर बैठल है, हम लोग पास में है, सोचो हम लोग को इनसे खतरा हो गया। अब कुवैत को कहता है कि तुमको अब खतरा है, हमसे हथियार खरीदो। अब कुवैत की पूरी एयरफोर्स कौन दिया है? अमरीका। समझ में आ गिनेगा? 500 साल आप गेहूं की खेती कीजिएगा ना, उसमें जितना प्रॉफिट है उतना एक फाइटर जहाज बेचने में प्रॉफिट, एक फाइटर जहाज, इतना प्रॉफिट का चीज है ये। और उसके बाद इराक में अपने पसंद की सरकार बना दिया, अपने पसंद की सरकार बना दिया। जब आप अपने पसंद से सरकार बने, जैसे आपको कोई नौकरी दिला दे फर्जी कोई नेता कि चल हम तुमको दरोगा बना देते, कभी ड्यूटी नहीं कर पाइएगा और उसके तो हमेशा गुलाम रहिएगा, फट दे जांच कराएगा निकल जाएंगे आप। तो अपने पसंद का क्या बना दिया सरकार, और कहा कि आधा तेल हम रखेंगे और तुम्हारी एयरफोर्स को मतलब हम हमसे जहाज खरीद, जहाज अपने बेचा, सामान अपने बेचा, तेल अपने बेचा, सरकार अपने बनाया, लोग को वहां मारा, फिर आतंकवादी बनाया खुद। आईएसआईएस को किसने पैदा किया? अमेरिका। तालिबान को किसने पैदा किया? अमेरिका। अलकायदा को? अमेरिका। सब किसने जादू किया? अमेरिका। पाकिस्तान को कौन पैदा किया? ब्रिटेन। ब्रिटेन अमेरिका दोनों मिलकर पैदा किया सब यहाँ पर, और इसको लगता है कि अपने बाप का है, इसको तो अमेरिका का पैदा है, ब्रिटेन का नहीं। समझ आया? तबाह हो गया आज इराक, क्या हो गया? तबाह हो गया। हमें इराक से बहस नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, हमारे अगल बगल में जिन देशों से हमको फायदा हो रहा है वो सब तबाह होते जाएंगे, तो हमारा कौन चीज बचेगा? कुछ अमेरिका से थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। अभी भारत से कह रहा है कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, बताइए। भारत कह दिया कि हमको दे दीजिए इतने रेट पे, शांत हो गए। भारत बहुत होशियार है, अमेरिका अगर दे देगा ना उतने रेट पे, तो भारत क्या करेगा? तुरंत रूस को कहेगा कि तू ये रुपया कम कर दो, ताकि हम तुमसे भी खरीदते रहे, उससे भी खरीदते रहे, जहां ये 2 रुपया कम करें, 1.5 रुपया और कम कर दो। समझ में आ गई? एकदम सही उपाय हुआ है अमेरिका का, एकदम अंदर अंदर बहुत गरियाता है सब, किसको? भारत को। समझ में आ गया कि? और भारत को तबाह कर दिया रहता अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण नहीं किए रहते, तबाह कर दिया रहता यहाँ। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, वो बात लीक नहीं हो पाया, वरना तो इंदिरा गांधी ने भी परमाणु बम बना लिया था, बनाने को तो सबसे पहले इंदिरा गांधी बनाई, बट ये लीक हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी को इसी बात का डर था कि बात लीक ना हो, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी एक बार फसल, भाई हर इंसान को देश की जिम्मेदारी लेंगे तो हल्का सा डर तो सबको रहता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से कहें कि सर ये परमाणु प्रोग्राम कहीं लीक तो नहीं ना हो जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि लीक कैसे होगा, हम ही दोनों जानते हैं, हम दोनों कुंवारे हैं। महिलाओं के पेट में बात नहीं बचता, वो कहेंगे हम बताएंगे क्या करा को, तो बहुत दोनों बधी ने बात, 2 दिन बाद पता चला था अमेरिका को, जो अमेरिका सुनामी आने से पहले बता देता है कि सुनामी आने वाला है, उसको भारत का परमाणु बम फटने के 2 दिन बाद पता चला बम फटल है, तो इसी वजह से वो नहीं टिक पाता, वरना ये सबको मारेंगे सब, इनकी पूरी पॉलिसी है ये सबको मारेंगे सब। वरना अमेरिका से टक्कर लेने की औकात किसी की नहीं है, 30 देशों की सेना बना के क्यों घूम रहा है ये बताइए? यहाँ पे ले गया सब किसको? फिलिस्तीन को, सीरिया ले गया सब, इराक ले गया, कुवैत ले गया, समझ आ गया कि नहीं? ये सब तो गुलाम है, यमन ले गया, हैती विद्रोहियों से मार करा, इन लोगों में तो औकाते नहीं है लड़ सके यहाँ पे, यूएई वगैरह तो उन्हीं के हिसाब से चलता है, ईरान के पीछे पड़े हैं सब, समझ आ गया कि नहीं? अफगानिस्तान तो खत्म कर दिया सब, अगला नंबर किसका आएगा? पाकिस्तान का। उसके बाद अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं रहता तो अगला नंबर किसका आता? भारत का। अगर अगला नंबर आएगा ना तो पता चला पिछला सारा नंबर मिट जाएगा। समझ में आया ही नहीं आ गया? भारत को देखेंगे आप। अरे उस जमाना 1962 का अलग था, जब इंसान किसी से कुछ बोल नहीं सकता था, नेटवर्क कम्युनिकेशन बहुत गैप था। आज अगर ऐसा कुछ होगा तो अकेले हम बोल देंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपन विद्यार्थी खड़ा कर देंगे, सोचो चीन के दीवार से खतरनाक हो जाएगा, नहीं खतरनाक हो जाएगा, इसे जो भारत की ओर देखेंगे यहाँ पर। समझ आ गया ही नहीं आ गया? आंख नोचेंगे, मार देंगे, दांते काट लेगा आदमी। आगे बढ़े, लड़की आई है झोटा नोचने के लिए, हाँ नाखून उखून अपने पड़ी ले रहती है, बोको टोकट देखे से कचकचा के एकदम ऐसे। आगे बढ़े, बाकी हम आइए हैं, भारत की ओर देखेंगे लोग यहाँ, किसी कोई दिक्कत? कभी भी। देखिए अंग्रेज सब जो है ना, हम लोगों से नफरत नहीं, हम लोग के चमड़ी से नफरत कर, ब्लैक पीपल, वी आर द ब्लैक, उनको लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, ब्लैक पीपल्स को कुछ नहीं आता है। अजब हाल है ससुरा, कितनों रंगीन रहोगे ना, एक बार करीखा पोता जाएगा ना ब्लैक वाला, सब रंगीन निकल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्के रंग वाले हम लोग हैं तो जुबान के भी पक्के होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात करते हैं, सोचो अजब हाल है इन सब का, हम लोग के यहाँ जैसे जाति वाली विवाद है ना, इन सब के पास रंग भेद है यहाँ पर।